नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस देर शाम नंगल के बैसाखी मेला घाट पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने ढोल नगाड़ों की थाप के बीच ख्वाजा जी का बेड़ा छोड़ने की रस्म अदा की। बता दें कि क्षेत्र वासियों के सहयोग से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर प्रति वर्ष ख्वाजा जी का बेड़ा छोड़ने की रस्म अदा की जाती है। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी मेडिकल सेल जिला रूपनगर के अध्यक्ष संजीव गौतम के अलावा भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। इस दौरान पूरा क्षेत्र ख्वाजा जी के जय घोषों से गूंज उठा। इस मौके पर क्या कहा आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संजीव गौतम ने सिटी हलचल से बात करते पहले जे सुने। अज हरजोत बैंस जी का धार्मिक समागम के उत्ते अपने हल्के आने का प्रोग्राम से, जिद पहले उन्होंने खरालगढ़ बच गए, फिर नंगल का जोड़ा सा किश्ती घाट है जिथे मेला लगता बैसाखी का, उत्तर फिर आनंदपुर साहब जाना थे। अज बहुत प्यार मुहब्बत के लोगों ने उन्होंने स्वागत किया। हरजोत बैंस जी ने भरपूर जो श्रद्धा के अपने सुमन से वो नतमस्तक हुए साढ़े इस ख्वाजा मंदिर के अगे, तो अज सा जो एक ख्वाजा का बेड़ा वरुण देवता का जोड़ा एक बेड़ा वो अज उन्होंने इतने छड़िया। इस मौके पर क्या बोले कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस, जो भी सुने। सब तो पहला विसाखी के शुभ दिहाड़े दे सारे देश वासे पंजाबियों सारे देश वासियों बहुत बहुत बधाई होवे। नाल ही अज एक होर बहुत पवित्र दिहाड़ा है, भारत रत्न भीम बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। ये दोनों शुभ दिहाड़िया की सारे पंजाबियों सारे देशवासियों बहुत बहुत मुबारकबाद। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।